hello friends good morning how's you all i hope you all are doing well so welcome to my youtube channel this is manu takur here so today i am going to start the subject psychology so let's start with the topic so today i am going to start the unit first that is introduction of psychology under this let's start with the meaning of psychology psychology ka kya matlab hai तो सबसे पहले हमने ये समझना है जो वर्ड साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया साइकोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है साइकोलॉजी हैज़ टू ग्रीक वर्ड्स साइकोलॉजी कहाँ से आया है दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है फर्स्ट वन इज़ साइकी एंड सेकेंड वन इज़ लोगस साइकी एंड लोगस साइकी मीन सोल और लोगस मीन स्टडी तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ स्टडी ऑफ सोल सो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी का मतलब दिया गया था दैट इज़ स्टडी ऑफ सोल तो सबसे पहले जो मीनिंग दिया गया था साइकोलॉजी को अरिस्टोटल ने दिया था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल कि ये एक आत्मा का अध्ययन है आत्मा की स्टडी है तो सेकेंडली जो नाम दिया था कि साइकोलॉजी है माइंड की स्टडी है दिमाग का ध्यान करना है वो किसने दिया था जॉन लॉक ने सो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुलरसा टेबुलोरासा मीन्स ब्लैंक स्टेट तो जॉन लॉक का मानना था कि जो बच्चे का दिमाग होता है वो टैबलोराशा की तरह होता है टैबुलोरासा मीन्स ब्लैंक स्टेट या चिकनी मिट्टी भी आप कह सकते हो या गलेबी कह सकते हो कि जिसको किसी भी शेप में मॉडिफाई किया जा सकता है तो जॉन लॉक का मतलब था साइकोलॉजी क्या होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड माइंड का अध्ययन करना दिमाग का अध्ययन करना सो so, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का मतलब था स्टडी ऑफ सोल और जॉन लॉक के अकॉर्डिंग इन एटीनथ सेंचुरी में साइकोलॉजी बिकम द स्टडी ऑफ माइंड तो अरिस्टोटल uh, ने बोला था ये स्टडी ऑफ सोल है और जॉन लॉक का मानना था कि ये स्टडी ऑफ माइंड है आफ्टर दैट स्टडी ऑफ माइंड के बाद साइकोलॉजी को नाम दे दिया गया इट इज़ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस तो इस तरह से साइकोलॉजी का मीनिंग चेंज होता रहा और आज की डेट में साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सो नेक्स्ट आता है हमारा इवेलुएशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी के मतलब को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा जो फर्स्ट हमारा मीनिंग था इट इज़ स्टडी ऑफ सोल उसके बाद वो रिप्लेस हुआ स्टडी ऑफ़ माइंड से आफ्टर दैट इट इज़ रिप्लेसड बाई स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस और लास्ट में एट प्रेजेंट जो हमारा मीनिंग है साइकोलॉजी का दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर नाउ कम टू द डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है एक साइंस है उसमें हमने किसकी स्टडी करनी है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर बेसिकली हमने स्टडी करना है किसके बिहेवियर को ह्यूमन एंड एनिमल बिकॉज हम किसी के माइंड को या किसी की सोल को स्टडी नहीं कर सकते हैं हम स्टडी कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ साइंटिफ़िक स्टडी ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन साइकॉलॉजी तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर सो टूडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्कोप ऑफ़ साइकोलॉजी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच